मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं तीन दोस्तों को जो कि रात के वक्त पूरी तरह हथियारों से भर के जंगल में पहुंचे हैं किसी का शिकार करने। ड्यूक, ओटिस और कोडी। ओटिस पूरा डरपोक है और ड्यूक बहादुर है और कोडी का खून थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। जंगल में उन्होंने बेड भी लगा रखा है पहले से क्योंकि शिकार काफी तेज है। सुनकर आपको हैरानी होगी, शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक एलियन है। जी हाँ, ये लोग एक एलियन को पकड़ने आए हैं। कोडी बार बार अपना हार्पून फायर कर रहा था लेकिन एलियन को फंसा नहीं पा रहा था। तंग आकर एलियन उसी पर झपट पड़ा। वो तो सही टाइम पर ड्यूक ने शॉटगन चला के एलियन को घायल कर दिया जिस वजह से एलियन साइड में जाकर गिरा और उसका पैर फंस गया ट्रैप में। ये देखकर ड्यूक भी उसकी तरफ बढ़ा लेकिन जल्दबाजी में नीचे नहीं देखा था इसलिए उसका पैर भी एक ट्रैप पर पड़ गया। अब एलियन को मौका मिल गया था तो उसने जोर लगाकर ट्रैप की चेन ही तोड़ दी और वो ड्यूक की तरफ बढ़ने लगा लेकिन जल्दबाजी में उसने भी गलती कर दी। वो एक पीट वाले ट्रैप में जा गिरा। इस वजह से ड्यूक की जान भी बच गई और एलियन उसके काबू में आ गया। अब एलियन को बांध के उसके साथ लेकर वो लोग निकल पड़े। अब ये एलियन जो है वो अपने आंखों से ही किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने भी इसके आंखों में देखा तो वो गया। इसी वजह से ओटिस ने लेवल 3 का हेलमेट पहना दिया। अब उनका प्लान था एलियन को अपने अड्डे पर लेकर जाना लेकिन रास्ते में ही न्यू एफओ इनके पीछे लग गया। मजबूरी में रोड से उतर कर उन्हें जंगल वाले रास्ते पर आना पड़ा और अड्डे पर तो नहीं जा पाएंगे इसलिए प्लान में थोड़ा चेंज आ गया। अब ये जाएंगे अपने पुराने दोस्त वाट के घर जो कि आबादी से कोसों दूर जंगल के बीच में रहते हैं अपनी वाइफ होफ के साथ। वाइट को ऐसा नाइटवेयर आता है कि उसे सोने ही नहीं देता और उसके बॉडी पर काफी गहरा घाव का निशान भी हम देख सकते हैं। घर इसका छोटा सा है लेकिन हथियार उसमें फुल है। सुविधा के लिए किचन के अंदर भी मसाला की जगह बंदूक रखी है। तीनों के आने से पहले वो हथियार पैक हो गया क्योंकि वो समझ गया था कि कोई आने वाला है लेकिन कैसे वो आप आगे समझ जाओगे। वो तीनों आए लेकिन वाट ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो जानता था उनके पास एक एलियन है। तो ड्यूक ने उसे मनाया और एलियन को गोद में उठाकर दया की भीख मांगी तो उन्हें अंदर लेना पड़ा। आधी रात तो ये सब चलता ही है, एलियन किडनैपिंग वगैरह। इनकी दोस्ती आखिर किस हद तक है और ये लोग एलियन किडनैप आखिर क्यों किया वो जानने के लिए थोड़ा दिन पीछे चलते हैं। तो बात है कुछ 15 साल पुरानी, जब ये जवान थे। शिकार करने एक रात ये लोग जंगल में गए थे लेकिन वहाँ पर ये खुद ही शिकार हो गए यानी यूएफओ में ले गए थे। पर तब ये 4 की जगह 5 थे। एक कोडी का छोटा भाई था टीमेन। एलियंस ने इनके ऊपर कुछ टेस्ट किए उनके बाद इन्हें छोड़ दिया। ड्यूक, कोडी और ओटिस को तो 2 दिन बाद ही छोड़ दिया था क्योंकि ये इनका कोई काम का नहीं था लेकिन टीमेन और वर्ड को नहीं छोड़ा। इनके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किया और वो भी एकदम भयानक होता है जिसके वजह से टीमेन बेचारा नहीं बच पाया था और वर्ड सर्वाइव कर गया और इसे भी छोड़ दिया लेकिन उसे एलियन वाले बोनस में डाल दिया। ये लोग एलियंस को सेंस कर सकते हैं एलियन जब आसपास हो, इसीलिए ये मूवी का नाम है अल्टर्ड। जब वो वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने पूरे टाउन को बताया एलियंस ने हमें उठा लिया था लेकिन ऑब्वियसली सपने इनके बात पर हंसे, किसी ने यकीन नहीं किया, इनकी फैमिली भी नहीं। इनका मेन कारण था वर्ट। वर्ट ने इनके खिलाफ गवाही दी, इसने बोला था सब कुछ झूठ है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि एलियंस की बातें कोई जाने बल्कि ये तो चाहता था ये तीनों भी उन्हें भूल जाए। इसके चलते पूरे टाउन में ये पागल साबित हो गया लेकिन सबसे बुरा हुआ कोडी के साथ। कोडी के अपने फादर ने सोचा कोडी ने अपने छोटा भाई टीमिन को मारकर जंगल में कहीं पर दफना दिया, अब ये उल्टी सीधी बहाना देकर बात को छुपा रहा है। इस आरोप की वजह से कोडी को जेल हो गया 15 साल इसने जेल में गुजारे। इस बीच ड्यूक की शादी हुई और एक बेटी हुई लेकिन बदले की भावना इसके मन में जिंदा थी। इसके बाद वो लगातार जंगल में जाने लगे। ओटिस जो अपने माँ के साथ रहता है जो कि ड्यूक के साथ था, पर असली शिकार तब शुरू हुआ जब कोडी वापस आया। इतना कुछ सहने के बाद इसके अंदर की आग बहुत ज्यादा थी तो उस आग से ड्यूक और ओटिस भी दब गया। फिर शुरू हुआ था ये प्रॉपर मिशन जो कि आज जाके सक्सेस हुआ। एलियन को पकड़ने के बाद इनका सीधा सा प्लान है, जैसे एलियन ने इन्हें टॉर्चर किया था वैसे ही ये एलियन को करेंगे, पूरी तरह तड़पाने के बाद उसे जान से मार देंगे। लेकिन वर्ड दूर दूर तक इनके प्लान में शामिल नहीं था बल्कि वर्ड ही इसे अकल दे रहा था कि गलती से भी एलियन को मार दिया तो इनके साथ ही मिनट भी
नहीं लगाएंगे, इन्हें ख़त्म कर देंगे। और सबसे इसका मतलब है धरती के सब इंसान अपने बदले के चक्कर में पूरा धरती साफ कर बैठोगे। अकल की बात बस वाट कर रहा था, क्योंकि एलियंस को उसने सामने से देखा है। वो जानता है एलियंस क्या कर सकता है, और अभी वो आराम से जीने दे रहा है तो जी लो, उन्हें मौका मत दो, उनके लिए बस खेल होगा। फिलहाल के लिए उस एलियन को टेबल पर बांध दिया, उनके फेस पर वो मास्क लगाकर। तभी वहाँ पर होप आ गई, जानना चाह रही थी अभी रात को आखिर ये सब हो क्या रहा था। लेकिन वर्ड चाहकर भी उसे समझा नहीं सकता, तो उसने वापस होप को भेज के दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिलहाल ये चारों मौजूद है गैरेज में, और पांचवा एलियन भी है। वर्ड इन्हें बोलता है इसे जहाँ से लाए हो वहाँ वापस छोड़ आओ, लेकिन कोडी तैयार नहीं था, बल्कि वर्ड के ऊपर भड़का हुआ था पूरा टाउन के सामने इन्हें झूठा साबित करने के लिए। गुस्से में उसने वर्ड के मुंह पर घूसा मार दिया, तो वर्ड बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वो एलियन जाग गया, उसके जागते ही वर्ड का दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो एलियंस को सेंस कर पा रहा था। एलियंस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिग्नल दे रहा है ये वाला एलियन। कैसे अभी देखो, ये तीनों ने उसे पकड़ा और वर्ड ने उसका पेट चीरकर उसका आंते बाहर निकाला, जिसमें एक डिवाइस था और ये है सिग्नल भेजने वाला ट्रांसमीटर। ड्यूक ने आरी से काट कर उसे अलग किया, तब जाकर वो शांत हुआ। वर्ड को इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि इसके अंदर भी तो डाला बॉडी पर निशान उसी का, जिसे लगाकर उसने डिवाइस को अपने अंदर से बाहर निकाला था, और वो आज भी उसके पास मौजूद है। तो एलियंस ने इसे ऑल्टर करके उसे धरती पर छोड़ दिया था ताकि वो उसे स्टडी कर सके, लेकिन ये निकला स्मार्ट। ट्रांसमीटर निकाल कर ये अकेला रहने लगा ताकि एलियंस इसे ढूंढ ना पाए, और अब तक वो तो सफल भी था, लेकिन आगे का पता नहीं क्योंकि दोस्तों ने फंसा दिया। जिस बीच वो एलियन को पकड़ा हुआ था, उस बीच एलियन ने कोडी के हाथ पर काट कर उसका मांस उखाड़ लिया। फिर कोडी ने मार मार कर उसे फिर से बेहोश कर दिया, लेकिन इस चक्कर में उसका मांस का ग्लास भी टूट गया। फिर कोडी ने अपने हाथ को पैचअप किया और साथ में एलियन के पेट को भी ग्लू से चिपका दिया। इसके बाद उसके टेप से एलियन को और अच्छे से बांध दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। फिर वर्ट इन्हें बोलता है सुबह होते ही एलियन को लेकर यहाँ से निकल जाना। तभी वो सुनता है होप किसी से बात कर रही थी, तो जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा होप ने पुलिस के पास फ़ोन मिला दिया। वर्ट ने उसे फ़ोन छीन कर फ़ोन ही तोड़ दिया। वो बोल रही थी मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वर्ट ने ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी बाहर जाना सही नहीं। वो होप को समझा ही रहा था कि इतने में कोडी इनके ऊपर शॉटगन तांग दी। इसकी फ़ायदा उठाकर एलियन ने होप की तरफ देखा और होप ने भी उसकी तरफ देखा। बस उसके आंखों में देखकर होप उसके वश में आ गई। एक कटर उठाकर वो एलियन को फ्री करने लगी। कोई पास आया तो कटर उठा के अपने गर्दन पर रख लेती, यानी कि एलियन रख देता। वर्ट ने एलियन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो एलियन ने बोलकर जवाब दिया और वर्ट समझ भी गया एलियंस बोला था गन्स नीचे कर लो, पर कोडी बात नहीं मानता, सीधा होप के ऊपर टूट पड़ा। उसे होप काबू में आ गई, लेकिन एलियन अब भी उसके दिमाग पर हावी था। वर्ट चिल्लाया कि इसे छोड़ दो, आखिर में एलियन ने छोड़ दिया, तब जाकर सब शांति हुई। फिर वर्ट ने एलियन के सामने एक लाइन खींच दी कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई इसके आगे नहीं आएगा। वो होप को बेड पर बांध दिया ताकि वो बाहर ना आए, और इतने में कोडी ने विंडोज लॉक कर दी। वह ड्यूक के पैर को थोड़ा फिक्स कर रहा था, तब ड्यूक बोलता है मेरी वाइफ मुझे 4 साल पहले छोड़ के चली गई थी और उनके बच्चे को भी ले गई, जिसे जुनून के वजह से 7 साल उसने गवा दिया। इस एलियन को पकड़ने के लिए कोडी ने देखा जिस हाथ पर एलियन ने काटा था वो सड़ चुका था और वो सडन पूरा बॉडी पे फैल रहा था। हर कोई अपने काम में बिजी था, इसके चलते एलियन अपने नाखून से फ्री होने की कोशिश करने लगा। इसमें वो बिना किसी दिक्कत कामयाब हो जाएगा। जिस बीच वर्ट होप के मुंह पर टेप लगा रहा था, उसी बीच कोडी फिर से फैल गया। वो एलियन को जलाना चाहता था। ड्यूक और वर्ट बीच में आया तो कोडी ने उसे दिखाया उसका बॉडी सड़ रही है सिर्फ इस एलियन की वजह से, और तुम चाहते हो मैं इसका देखभाल करूं, ये तो नहीं होने वाला। इन दोनों को भी डराने लगा, जिस वजह से पीछे हटते हटते क्रॉस करके एलियन के पास पहुंच गया। वो तो सही टाइम पर ओटिस ने आकर कोडी को बेहोश कर दिया, फिर कोडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया, लेकिन किसी और का हाथ उसने नहीं लगने दिया क्योंकि ये बीमारी टच करने से भी फैल जाती है। अगर कोडी को कोई टच करेगा तो वो भी सड़ेगा। वर्ट को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अल्टर्ट है। बाथरूम में बंद करने के बाद वर्ट बताता है कि ये बीमारी कोडी को अंदर बाहर से खाने शुरू कर देगी।
कोडी खुद अपने मास्क को लेयर बाय लेयर उतरते देखेगा। कुछ ही देर में ऐसी हालत हो जाएगी कि वो खुद मरने की भीख मांगेगी। वर्ड को इसलिए पता है क्योंकि टिमिन भी ऐसे ही मरा था। यहाँ पर ड्यूक के दिमाग पे कुछ खनका तो उसने अकेले में वर्ड को बताया, शायद ये सब पहले से ही प्लान था। एलियन हमने पकड़ा नहीं, वो जानबूझ के हमारे कब्जे में आया। ये सब एलियंस का प्लान था वर्ड तक पहुँचने का, क्योंकि डिवाइस को निकाल कर ये गायब हो गया था तो एलियंस को उस तक पहुँचना था। इसलिए एलियंस ने यूज़ किया उसके दोस्तों को, जो कि बड़ी आसानी से झांसे में आ गया। एलियन को लेकर सीधा वर्ड के घर पहुंच गया। इसका मतलब इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो दोनों अपने बातों में इतना बिजी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया एलियन टेबल पर था ही नहीं। जब तक ध्यान दिया तब तक घर की पावर कट गई। दोनों ने अंधेरे में ही पूरे गैरेज को छाना, लेकिन एलियन उन्हें नहीं मिला, बस वो मास्क मिला। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, दरवाजे पर कोई नॉक किया। वो था शेरिफ, जिसके पास होप ने फोन किया था। उसके आते ही होप भी मुंह से टेप निकाल के चिल्लाने लगी। वो तो ओटिस ने उसका मुंह बंद कर दिया। ड्यूक को छुपा के शेरिफ को अंदर लिया और शेरिफ काफी अच्छे मूड में था तो वो भी आराम से बियर पीने लगा। तभी वर्ड ने देखा एलियन का खून के निशान घर के अंदर जा रहे थे। वो होप के पास पहुंच चुका था और यहाँ पर हम पहली बार उसका फेस देख पाए। उसने ओटिस के ऊपर हमला बोल दिया। ओटिस की चीख सुनकर वर्ड दरवाजा खोलने लगा, लेकिन शेरिफ उसे रोका था, पर रोकने के लिए वो सीधा गोलियां चलाई। तब ड्यूक ने उसे धक्का दे के उसके साथ ही दरवाजा तोड़ दिया। वर्ड अंदर पहुंचा तो उसने देखा एलियन ओटिस की आंखों पकड़ के बैठा था। जैसे कोई पास आता है या गन पॉइंट करता है, वो आंखों को खींचने लगता है। ये देखकर वर्ड, ड्यूक और शेरिफ तीनों उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन इस बीच शेरिफ की गोली शेरिफ को ही लग गई। एलियन ने ओटिस की आंख पूरी बाहर निकाल दी थी, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं रहा था, तो वर्ड ने चाकू से उसका हाथ ही काट डाला। तब जाकर ओटिस ने अपनी आंख समेटी, फिर ड्यूक उसके मुंह पर लगातार वार करने लगे, बेहोश कर दिया। इसी बीच होप में जाकर बैठ चुकी थी। तब शेरिफ अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। अब उसे यकीन हुआ एलियन वाली सारी बात सच थी। उसने बोला मुझे एक बियर दो, तो वर्ड ने भी दे दिया। उसे काम नहीं बना, वो कहता है कि कुछ तगड़ा दो, तो वर्ड लेने गया। बीच में ही शेरिफ ने दम तोड़ दिया। वर्ड ने जाकर होप को मनाया कि ओटिस को हॉस्पिटल ले जाना होगा और होप को भी वहां से निकलना था, इसलिए वो भी राजी हो गई। जो कि मन तो उसका ये ही कह रहा था एलियन को मार दे, लेकिन वर्ड के हिसाब से ऐसा करना खुदकुशी करने का बराबर था। वर्ड कोडी के पास गया उसे बाय बोलने। तब कोडी उसे बोलता है अगर मेरा बस चलता तो मैं उस एलियन को ले जाकर पूरे टाउन में घुमाता और आखिर में मेरे डैड के घर के सामने रख देता। इसे सबको यकीन हो जाता और मेरे सर से अपने भाई को मारने का टक हट जाता, पर अब मैं उसे टैग के साथ मर जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोडी का फेस तक फैल गया। फिर एलियन को एक केज में डालकर लॉक करके वैन में रखा। फिर वर्ड, होप और ओटिस वैन में निकल गया, लेकिन ड्यूक घर पर रहा कोडी के लिए। कोडी को फ्री कर दिया क्योंकि बदला अभी भी बाकी है। असल में वैन के अंदर वर्ड जिसे लेकर जा रहा था वो है शेरिफ की लाश। एलियन तो घर पर ही है, उसे इन दोनों टॉर्चर करेंगे। उन्होंने वर्ड को आज़ाद कर दिया। अब वो होप के साथ कहीं दूर जा सकता है क्योंकि ओटिस भी मर चुका है, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं। होप को वैन देकर वो वापस घर की तरफ निकल गया। अब होप जाएगी टाउन में और वो जाएगा मरने। जब वो जंगल में भाग रहा था तभी अचानक उसने एलियंस को सेंस किया। वो आराम से शांत होकर बैठ गया और एलियन उसे इग्नोर करते हुए सीधा निकल गए। ये भी इसकी कोई पावर है जो अल्टर होने के बाद मिली, तो एलियंस इसे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एलियंस भी इससे डरते हैं। वो जल्दी से घर पहुंचा तो देखा सब कुछ तहस नहस है। ड्यूक के हाथ में कीला ठोका रखा है, उसका हाथ में वर्ड वाला डिवाइस लगाकर एलियंस को सिग्नल भेज रहा था क्योंकि जो एलियन के पास था वो ये लोग तोड़ दिया था। यहाँ पर एलियन आके वर्ड से भिड़ जाते हैं। एलियन ही इसके ऊपर भारी पड़ता है, वो काफी तेज थी। एलियन ने ड्यूक को चैन की नींद सुला दी। फिर वो वर्ड के आंखों में देखकर उसके दिमाग में घुस रहा था तो बीच में आ गया कोडी। इस बार उसका वार पूरा निशाने में लगा। कोडी पूरा सर चुका था और जब वो एलियन के सामने जाता है तब पता चलता है मूवी का प्रैक्टिकल इफेक्ट्स किस लेवल पर है। सामने आकर वो गलती कर दी क्योंकि एलियन ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया। अब वो कोडी के थ्रू वर्ड पर हमला कर रहा था, लेकिन कोडी की बॉडी इस हाल में नहीं थी। वर्ड को मारने के चक्कर में उसका दोनों हाथ टूट गया, फिर भी एलियन रुका नहीं।
तब वर्ट को ही सामने जाना पड़ा। एलियन कोडी को छोड़ के वर्ट के दिमाग में घुसने लगा, लेकिन वर्ट भी कम नहीं था। एलियन ने उसे हल्के में ले लिया। यहाँ पर वर्ट ने उल्टा एलियन के दिमाग में घुसकर एलियन को अपने औकात दिखा दी, उसका सर ही फाड़ दिया। वर्ट उसके साथ डील कर रहा था कि बाकी एलियंस को भेज दे, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, बाकी इंसानों को छोड़ दो, लेकिन एलियन मान ही नहीं रहा था। तभी होप आई और उसने सीधा एलियन के सर में गोली मार के उसका खत्म कर दिया। अब कोई डील नहीं होगी, वर्ट को पता है अब क्या होगा। यूएफओ फोर्स आ चुके थे, एलियन घर के अंदर आ रहे थे। वर्ट और होप को खतरा था, पर पहले कोडी को मुक्त करना था। कोडी मौत की भीख मांग रहा था, तो पहले वर्ट ने उसे मारा, फिर वो दोनों बेसमेंट में पहुंचा जहां पर एक सॉलिड चेंबर था। वर्ट ने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखा था, दोनों उस चेंबर में बंद हो गए थे। फिर वर्ट ने डायनामाइट से पूरे घर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे एलियंस भी मारे गए और उनकी जो सेफ सीफ थी वो भी धरती के बाहर निकल गई, लेकिन वापस जरूर आएगी अपनी पूरी फोर्स लेकर। सुबह होने पर दोनों बाहर निकले और सबसे पहले वर्ट ने कोडी की इच्छा पूरी की, एक जले हुए एलियन को ले जाकर उसके डैड के घर के बाहर रख दिया। फिर दोनों कहीं दूर जाने लगे, लेकिन एलियंस आ रही है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।